भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला वनडे मुकाबला लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। बारिश से बाधित इस मैच को 40-40 ओवर का कर दिया गया। इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रीका को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। दक्षिण अफ्रीका की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 40 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 249 रन का स्कोर खड़ा करने में सफल रही, जिसमें डेविड मिलर 63 गेंद पर 75, हेनरी क्लासेन 65 गेंद पर 74 और क्विंटन डिकॉक ने 48 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत की तरफ से शार्दुल ठाकुर ने सबसे अधिक 2 विकेट हासिल किए, तो वहीं रवि बिश्नोई और कुलदीप यादव को 1-1 विकेट मिला। इस मैच को जीतने के लिए भारत को निर्धारित 40 ओवर में 250 रन का लक्ष्य मिला, लेकिन भारत की शुरुआत बेहद ही खराब रही। कप्तान शिखर धवन सिर्फ 4 रन बनाकर पारनेल का शिकार बने, तो वहीं शुभम गिल 3 रन बनाकर कसिगो रवांडा के गेंद पर आउट हुए। भारत का स्कोर 8 रन पर 2 विकेट हो गया। उसके बाद ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ ने संभल कर खेलने का प्रयास किया। दोनों के बीच 40 रनों की साझेदारी हुई। ऋतुराज गायकवाड़ 42 गेंद का सामना करते हुए 19 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं ईशान किशन 37 गेंद पर 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन उसके बाद श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन ने 68 गेंद पर 67 रनों की साझेदारी कर मैच को रोमांचक मोड़ पर पहुंचा दिया। श्रेयस अय्यर 37 गेंद पर 50 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं संजू सैमसन दूसरे छोर पर डटे रहे। शार्दुल ठाकुर ने भी संजू सैमसन का साथ दिया और 31 गेंद पर 33 रन की महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हुए। संजू सैमसन अंत तक नाबाद रहे। भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 30 रन की जरूरत थी। संजू सैमसन ने आखिरी ओवर में बल्ले से 19 रन बनाए और 1 रन बाइड के रूप में मिला। संजू सैमसन अपनी पारी के दौरान 63 गेंदों का सामना किया और 86 रन बनाए। अंतोगत भारत संजू सैमसन की संघर्षपूर्ण पारी के बावजूद इस मैच को 9 रन से हार गई और दक्षिण अफ्रीका की टीम 3 वनडे मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे हो गई है।